सल्यूट करता हूं मैं उड़ीसा को। क्या दिया है उड़ीसा ने इस देश को, क्या है उड़ीसा, इस वीडियो में बहुत डिटेल में रिसर्च करके बताइए, हर एक बात ध्यान से देखना। और अगर आप सच्चे, मैं कह रहा हूं उड़िया ही नहीं भारतीय भी हो ना, तो उसको जरूर लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि मैं कहता हूं उड़ीसा सबसे ज्यादा अंडर रेटेड स्टेट है भारत का। इसकी हिस्ट्री ले लो, प्रेजेंट ले लो या फ्यूचर ले लो, इतना पोटेंशियल भरा हुआ है ना उड़ीसा में कि अगर समझ में आ जाए तो ना देश का कोई इंसान ना कभी उड़िया अपने आप को एक गरीब राज्य समझेगा, कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत सारे पॉइंट दूंगा, और आखिरी तक देखा तो मुझसे बात करने का एक मौका भी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके बिजनेस या करियर से रिलेटेड। क्या है ये उड़ीसा, मैं कह रहा हूं उड़ीसा अगर अपने आप में एक देश होता ना तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी की ग्रोथ रेट होती इस देश की। क्योंकि बात समझना, भारत का सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, एल्यूमिनियम का उड़ीसा है। भारत का आधे से भी ज्यादा मिनरल्स का एक्सपोर्ट उड़ीसा से ही तो होता है, $243 बिलियन पर ईयर। इंडिया $10 बिलियन का आयरन एक्सपोर्ट करता है, और पता है अगेन 50% से ज्यादा का आयरन कहां से आता है, उड़ीसा से। अरे दुनिया में इंडिया ऑलरेडी सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर है, जिसमें से उड़ीसा से अकेले 3,000 करोड़ का सी फूड एक्सपोर्ट होता है, जो 2024 तक 20,000 करोड़ का करने वाले हैं। 2016-17 में जहां इंडिया का ग्रोथ रेट -2% चला गया था, उड़ीसा 17.6% का ग्रोथ रेट लेके बैठा था। आज भी भारत 4.5% ग्रोथ रेट पे है, तो उड़ीसा 8.4% पे, लगभग डबल। देख रहे हो कितना पोटेंशियल है इस प्रदेश में। मैं चाहता हूं कि यहां के जो लोग हैं, खासकर उड़ीसा, उन लोगों को समझ में आए कि कितना पोटेंशियल है, वो क्या कर सकते हैं, और पूरा देश भी इनको अंडरएस्टिमेट ना करे। इसीलिए इस प्रदेश वालों की मदद करने के लिए इसकी जो राजधानी है भुवनेश्वर में आ रहा हूं 2 फरवरी को, और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन की जब हम रिसर्च कर रहे थे कि क्या हम बेहतर मदद कर सकते हैं, तब ये जब इंफॉर्मेशन आई सामने, मैंने कहा यार इस पे तो वीडियो बनना बनता है, पूरे देश को पता होना चाहिए कि उड़ीसा ने दिया क्या है इस देश को। ये हर एक उड़िया की ही नहीं, हर एक देशवासी की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रदेश का पोटेंशियल समझे और कभी इसको गरीब समझने की हिम्मत तक ना करे। इसकी हिस्ट्री उठा के देख लो, प्रेजेंट देख लो, और चाहे फ्यूचर क्यों ना देख लो, इतना पोटेंशियल है इस राज्य में। आप देखोगे आप भी दंग रह जाओगे मेरी तरह। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक ने तो इसको सबसे बेस्ट जगह स्टार्टअप करने के लिए बोली है भुवनेश्वर में। परेशानियां और दिक्कतें कम नहीं रही उड़ीसा में, आप समझना। इस वीडियो को एटलीस्ट इंस्पिरेशन की तरह यूज करना जो इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। 1900 से आज तक अगर बात करें तो 118 से ज्यादा साइक्लोन आ चुके हैं उड़ीसा में। एक साइक्लोन काफी होता है किसी प्रदेश को बर्बाद तबाह करने के लिए। 2013 में तो मोस्ट बैकवर्ड का टाइटल तक दे दिया गया था। यही नहीं, उड़ीसा का एक भी डिस्ट्रिक्ट टॉप 100 डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता था। बट इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी आज कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है इसको देख लो। इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, TCS, इंफोसिस, विप्रो सब आ चुके हैं उड़ीसा में। यही नहीं, जियो ने यह तक बोला है कि सबसे ज्यादा भारत में जो डेटा का यूसेज है वो उड़ीसा में। मतलब समझ लो डेटा क्यों यूज हो रहा है। ऑफ कोर्स लोग सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, भूखे बैठे हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि यार अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन एक्सपेंशन की हमारी भी उड़ीसा होगी। उड़ीसा हमेशा से भरा पड़ा था मिनरल्स, और ये बात पता चल गई थी हिटलर को। और हिटलर ने अपने जो पीक में था जब, तब भेज भी दिए थे जहाज उड़ीसा को कैप्चर करने के लिए। सोचो इतना पावरफुल था। ऑफ कोर्स हिटलर हार गया, उसकी वजह से जहाज तो आधे रास्ते ही आ पाए थे, लेकिन इतना पोटेंशियल था उड़ीसा में, ये पूरी दुनिया को पता था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, नाम तो सुना ही होगा, सिकंदर महान यहां भारत में बोलते थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडिया में घुसने तक नहीं दिया था उसको। और सोचो ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य एंपायर जो पूरा देश पे राज करते थे, वो कलिंग में नहीं घुस पाए थे, और उड़ीसा ही पुराने जमाने में कलिंग कहा जाता था। यही नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ जो शुरुआती जंग छेड़ने वाले फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा, पूरी अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे बिरसा मुंडा ने। इतना परेशान कर दिया था, जंगलों में गुरिल्ला वॉर करते थे, छुप छुप के मारते थे, कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। बिरसा मुंडा अपने आप में इतने बड़े लीजेंड थे कि उन पर मैं कहता हूं एक वीडियो तो अपने आप में होना चाहिए। कमेंट करके नीचे बताना, अगर मैं कह रहा हूं 10 लोगों ने भी बोला कि बिरसा मुंडा पे केस स्टडी चाहिए बताएं, तो मैं बताऊंगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस
जिनके बारे में तो कौन नहीं जानता, भारत का बच्चा बच्चा जानता है, वो भी इसी भूमि से जन्मे, जिन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी और भारत की पहली आर्मी आजाद हिंद फौज भी इन्होंने ही बनाई थी। और आज की बात करूं तो स्टार्टअप भी बहुत सारे दिए हैं उड़ीसा ने। भुवनेश्वर ने कितने स्टार्टअप दिए उसका ऑलरेडी वीडियो है, आई पे क्लिक करके आप देख सकते हो। साथ ही साथ एंटरटेनर्स भी इतने सारे दिए, जैसे कि सोना महापात्रा, वो गाना सुना ना अंबर सरिया, वो भी इन्होंने ही गाया है। फेमस कॉमेडियन बिस्वा कल्याण रथ और टीवीएफ के राइटर बिस्वापति सरकार, ये सारे के सारे उड़ीसा से हैं। आप समझ रहे हो कितना पोटेंशियल है इस प्रदेश में, और आप और हम जानते ही नहीं थे आज तक। जरूरत है अवेयरनेस की, जरूरत है समझने की, जरूरत है। इनफैक्ट इस समय चीपेस्ट लैंड ऑफर किए जा रहे हैं उड़ीसा में। यही नहीं, मैं वहाँ के सीएम की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, नवीन पटनायक जी, जो 2000 में इलेक्ट हुए और 2020 आ चुका है और उन्हीं का कार्यकाल चल रहा है। इन्होंने जितने भी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसको एक रूफ के अंदर लाकर खड़ा कर दिया, बिजनेस करना आसान बना दिया। भारत का 11% वाटर रिजर्व उड़ीसा में ही है। समझा आपने कितना पोटेंशियल इस प्रदेश में, और आप और हम जानते भी नहीं इसके बारे में। समझो और शेयर करो, बांटने से बुद्धि बढ़ती है। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे लोगों तक पहुंचाओ। हर एक भारतीय को, सिर्फ उड़िया को नहीं, भारतीय को मैं बोल रहा हूं, गर्व होना चाहिए उड़ीसा हमारे देश का हिस्सा है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने प्रॉमिस किया था ना, प्रॉमिस अपने हमेशा निभाता हूं, कि लास्ट में आपको एक मौका मिलेगा मुझसे 1-to-1 बात करने का। ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर नीचे लिखिए। अगर आंसर आपका सिलेक्ट होता है, पसंद आता है, सबसे अच्छा होता है, तो आपको मिलेगा मुझसे 1-to-1 बात करने का मौका। बिजनेस और करियर से रिलेटेड बात करेंगे। आपके हर एक कमेंट को मैं बहुत ध्यान से पढ़ने वाला हूं, इसलिए कमेंट जरूर करना। रोज 9:30 वीडियो आ रहे हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन हिट नहीं किया है, तो मिस कर दोगे। हमें सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच।